मंदिर खोलो दया में मंगल मंदिर खोलो मंगल मंदिर खोलो मंगल मंदिर खो मंगल मंदिर खोलो मंगल मंदिर मंगल मंदिर खोलो मंगल मंदिर मंगल मंदिर खोलो दया में मंगल मंदिर खोलो मंगल मंदिर खोलो दया में मंगल मंदिर खोलो मंगल मंदिर खोलो मंगल मंदिर 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 मंगल मंदिर खोलो दया में मंगल मंदिर खोलो मंगल मंदिर खोलो दया में मंगल मंदिर मंगल मंदिर खोलो दया में मंगल मंदिर खोलो मंगल मंदिर खोलो दया में मंगल मंदिर मंगल मंदिर खोलो दया में मंगल मंदिर खोलो मंगल मंदिर खोलो दया में मंगल मंदिर ओ मंगल मंदिर खोलो दया में मंगल मंदिर खोलो मंगल मंदिर खोलो दया में मंगल मंदिर खोलो दया में मंगल मंदिर खोलो मंगल मंदिर खोलो दया में मंगल मंदिर खोलो मंगल मंदिर खोलो दया में मंगल मंदिर खोलो सुंदर सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद देवी सज्जनों काश राम के अतिरिक्त कोई भरोसेमंद होता इस संसार में कभी गलती ना करना जब भी इंसान पर भरोसा करोगे मार खाओगे क्या पति भरोसेमंद है क्या पत्नी भरोसेमंद है कब जगत को छोड़ के चले जाएंगे आपको विधवा बना के चले जाएंगे क्या कोई गारंटी ले सकता है इस संसार में कुछ भी भरोसेमंद नहीं है एक परमात्मा के सिवा अतएव राम भरोसा तेरा अब मुझे राम भरोसा तेरा राम के सहारे जीवन व्यतीत करोगे तो उस जैसा भरोसेमंद और कोई नहीं कोई टांग नहीं खींचेगा बाकी सब कब टांग खींचाएंगे कब धक्का दे देंगे कब छोड़ के चले जाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता अब मुझे राम भरोसा तेरा व्यवहारिक दृष्टि से देवी सज्जनों संसार में रहना है बस यहां रहना है फंसना नहीं इतनी सी गुंडी है समझ में आ जाए तो फिर जिंदगी में कोई कठिनाई नहीं है आदमी फंस जाता है तो फिर वियोग पर रोएगा भी बिलखेगा भी छाती पीटेगा यही ये है कि जो आया था उसे जाना था चला गया बात खत्म एक साधु की समझदारी तो इसी नहीं है एक साधु का साधुपना तो इसी नहीं है व्यक्ति परखा तो उसी वक्त जाता है जिस वक्त मुसीबत सिर पर आती है उपदेश देना आदेश देना स्वाध्याय करना सत्संगों में जाना ये सब बात आसान करते हैं लेकिन जब विपत्ति आती है तो साधक चलो एक साधक किस प्रकार से उस विपत्ति को डील करता है तब पता लगता है कि साधकाई कहां पहुंची हुई है साधना कहां पहुंची हुई है मामूली सा रोग लगा डगमगा के विचलित हो गए तो ये साधक बना तो नहीं है तो सामान्य व्यक्ति जैसी बातें होती हैं ये गुलाम नाम का प्रताप तो नहीं है फिर क्या हो गया ये हो गया फिर क्या हो गया साधक की दृष्टि इस प्रकार की हो जाती है राग इच्छा से नहीं हुआ है ना
मेरी इच्छा से तो नहीं हुआ। कौन चाहता है कि मेरी पत्नी मर जाए, कौन चाहता है मेरा पति मर जाए, मर गया क्या कर सकते हो आप। एक साधक इसी चीज को सोचता है, भाई जो मेरे वश की बात नहीं मैं उस पर चिंता क्यों करूं, परमेश्वर ने जो करना था वो कर दिया, होता तो वही है जो उसकी इच्छा होती है। ये एक साधक का दृष्टिकोण हो जाता है, यही बेटा सही दृष्टिकोण है। और एक साधक की साधकाई इसी से पहचानी जाती है कि आप किस ऊंचाई तक पहुंचे हुए हो। कोई बात नहीं, परमेश्वर का दिया हुआ ही है ना, परमेश्वर का दिया हुआ जो हुआ करता है उसे प्रसाद कहा जाता है, उसे दुख नहीं कहा जाता, उसे वियोग नहीं कहा जाता, उसे विपत्ति नहीं कहा जाता। जो परमात्मा से युक्त हो गया, जो उसके घर से मिलता है, ऐसी एक साधक की धारणा हो जाया करती है और वह प्रसाद हुआ करता है। प्रसाद कोई नाक में सिकोड़ के तो ग्रहण नहीं करता, दोनों हाथों से ग्रहण करता है और प्रसन्नता पूर्वक आप ग्रहण करते हो। मंदिर में जाते हो, छोटा बच्चा भी यदि आपको प्रसाद देता है तो आप ये नहीं समझते कि ये छोटा बच्चा है, कल का बच्चा है, छोकरा है, मुझे प्रसाद दे रहा है, नहीं, ये भगवान के घर से आ रहा है। आप दोनों हाथ इस प्रकार से करके तो प्रसाद ग्रहण करते हो, माथे पर उसे लगाते हो, तो फिर दुख आता है, तो उसे परमात्मा का प्रसाद क्यों नहीं समझते। जब ऐसा बोध हो जाए तो समझ लेना आपकी साधना ठीक दिशा में चल रही है, उच्च अवस्था को प्राप्त हो रही है, आप साधना में ऊपर उठ रहे हैं, अन्यथा नहीं। कल की चर्चा को साधक जारी रखते हैं, सिमरन पर चर्चा चल रही है। भगवान श्री से किसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, नारद जी ने, नारद जी ने तो पूछा था आपका सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है। इस व्यक्ति ने पूछा, परमात्मा देव आपका सर्वप्रिय भक्त कौन है। अमुक गांव में पता दीजिए, अमुक गांव में एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसके पास घर है। उस वक्त की बात होगी जब घरों के नंबर नहीं होते थे, कोई चित्र दिए जाते थे। बहुत बड़ा विशाल पीपल का पेड़ है, गांव में एक ही पेड़ है, उसके पास उसका घर है, वह मेरा सर्वप्रिय भक्त है। व्यक्ति ढूंढता ढूंढता गांव पहुंचा है, पीपल का पेड़ एक उधर दिख रहा है, मामूली व्यक्ति का घर है, मानो वह अपेक्षा रख रहा था कोई कुटिया होगी, कोई संत महात्मा होगा, कोई गुफा होगी, कोई दाढ़ी बढ़ाए हुए व्यक्ति होगा, कोई सिर मुंडवाए हुए व्यक्ति होगा, कोई भव्य कपड़े वाला व्यक्ति होगा जो परमात्मा का सर्वप्रिय। ऐसी धारणा है हम सबकी, ऐसा ही हम सबका विश्वास है। मन ही मन शंका हुई, मैं गलत जगह पर आ गया हूं या भगवान ने मुझे पता गलत बता दिया है। तो पुनः गए भगवान के पास, कहा महाराज मैं वहां देख के आया हूं, वहां मुझे कोई साधु संत महात्मा कोई ऋषि मुनि जैसा व्यक्ति तो कोई नहीं दिखाई दिया। नहीं भाई, जिसे तुम संत महात्मा ऋषि मुनि समझते हो पता नहीं मैं उसे समझता हूं कि नहीं समझता, बात तो मेरी समझ ली है। मैं किसे संत महात्मा समझता हूं, कोई गृहस्थी हो सकता है, कोई परिवार में रहने वाला भी हो सकता है जिसके अंदर संत के गुण है, साधु के गुण है, मैं संत है वेश से, मैं वेश की इतनी कदर नहीं करता, हां थोड़ा बहुत जरूर नंबर देता हूं लेकिन ऐसा नहीं है। तुम ठीक जगह पर गए हो, वही वो रहता है। पुनः गया,